اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बड़ा ही खास और मुख्तसर सा अमल और वजीफा शेयर करूंगी, जिसकी बरकत से आपको बहुत से फायदे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कलमा तैयबा की फजीलत और बरकत अहादीस की रोशनी में शेयर करूंगी। इस कलमे की गुवाही अल्लाह ताला के साथ अफजल तरीन महलूकात ने भी दी है। तमाम अंबिया कराम की दावत भी यही थी, दुनिया और आहरत में खुशहाली और कामयाबी का राज यही कलमा है, और ये दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। इंसान के लिए कलमे का इकरार पहला और आखिरी फर्ज है। दिल में अल्लाह की याद कलमे पर ईमान के मुताबिक होती है। जिन अमाल में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र हो, इनका अजर बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन सदका है, कब्र में बायसे निजात है, वजन में सबसे भारी है, रोजे कयामत शफात करने और लेने नेक जन्नत में दाखिले का जरिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह वुजू अजान, अजान के बाद नमाज के दौरान और बाद मनासिके हज और उमरा, रात के वक्त बेदारी परेशानी के वक्त की जाने वाली दुआ का हिस्सा है। जिस दुआ में ये शामिल हो, उसकी कबूलियत के मौका मजीद बढ़ जाते हैं। मजीद ये कि अल्लाह के सिवा हर किसी से अलवहियत की नफी करके सिर्फ अल्लाह के लिए अलवहियत साबित करना ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम इसकी तारीफ बयान करते हैं, इसी से मदद के तलबगार हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं। नफसानी और बुरे अमाल के शर से उसी की पनाह चाहते हैं, जिसे अल्लाह ताला हदायत अनायत कर दे और इसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे इसका कोई भी रहनुमा नहीं बन सकता। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बढ़क नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल और सहाबा कराम पर डेरो दरुदो सलामती नाजिल फरमाए। महलूक के लिए शर्क का मुकाम है कि वो अल्लाह ताला की अतायत और उसकी बंदगी पर कारबंद रहे। अहकामाते अहलिया में तहलील की यही हिकमत है, इसी बंदगी की बिना पर दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। फरमाने बारी ताला है, और जो भी अल्लाह और इसके रसूल की अतायत करेगा वो यकीनन बहुत ही अजीम कामयाबी पाएगा। बाहवाला सूरत अहजाब। खुशी सरूर लिज्जत और खुशगवार लम्हात सिर्फ अल्लाह ताला की मार्फत उसे एक मानने और उस पर ईमान लाने में है, और अफजल तरीन महबूब तरीन कलाम वो है जिसमें अल्लाह की हमदो सना हो, अल्लाह ताला की बेहतरीन सना और कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी कलमे की बुनियाद पर आसमान और जमीन कायम है, इसी के लिए मौजूदात को वजूद में दिया गया, अल्लाह ताला ने अपनी किताबें भी इसी के लिए नाजिल की और रसूल को माबूस फरमाया। फरमाने बारी ताला है, और आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा इसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई इला नहीं, लिहाजा सिर्फ मेरी ही इबादत करो। बाहवाला सूरत अंबिया।
इस कलमे के जरिए अल्लाह ताला ने अपने बारे में गवाही दी और इस पर अपने अफजल तरीन महलूकात को गवाह बना दिया। फरमाने बारी ताला है, अल्लाह ने खुद भी इस बात की शहादत दी है कि इसके सिवा कोई इला नहीं, और फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी रास्ते और इंसाफ के साथ शहादत दी है कि इसके सिवा कोई इला नहीं, वही गालिब और हिकमत वाला है। बाहवाला सूरत अल इमरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हाँ चार अल्फाज महबूब तरीन है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बाहवाला मुस्लिम। यही कलमा तकवा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने औलिया के लिए रखा। फरमाने बारी ताला है, और इन पर कलमा तकवा लाजिम कर दिया गया। बाहवाला सूरत फतह। यही कलमा तैबा है और इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिसाल देते हुए फरमाया, आप देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने कलमा तैबा की कैसे उम्दा मसाल बयान की है, जैसे वो एक पकीजा दरख्त हो जिसकी जड़ जमी हुई हो और शाहें आसमान में हैं। बाहवाला सूरत इब्राहिम। जिस कदर आप ये कलमा कहने में सच्चे होंगे, अपने दिल को इसी मुकदार में गैरुल्लाह से पाक साफ कर लेंगे। यही वजह है कि जो शख्स भी इस कलमे को सच्चे दिल से कहता है, वो अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ उसी से उम्मीद लगाता है, वो उसी से डरता है, उसी पर तवक्कल करता है, उसके दिल में नफ्स या ख्वाहिश परस्ती के मामूली असरात भी बाकी नहीं रहते। ला इलाहा इल्लल्लाह माल और जान के तहफ्फुज़ का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है इनका इनकार कर दिया, तो अल्लाह इसका माल और जान महफूज कर देगा, और अब इसका मामला अल्लाह ताला के साथ है। बाहवाला मुस्लिम। तो ये थी मुख्तसर कलमा तैबा की फजीलत और बरकात जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके साथ मुख्तसर सा कलमा तैबा का वजीफा और अमल शेयर करूंगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि तौहीद इस्लाम की जान है, इस्लाम की रूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि इसको ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हो तो वो जन्नत में जाएगा। तौहीद ही के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों को भेजा, और जैसा कि सूरत अंबिया की आयत नंबर 25 में है, तो अल्लाह की तौहीद है, और आपको मालूम है कि तौहीद का कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। इसका मतलब है कि मैं रब ताला की ऐसी तस्बीह करता हूँ या करती हूँ जो तमाम महलू के बराबर हो और इसकी रजा का बायस हो, इसके अर्श की जीनत हो और हर चीज पर वो कादिर हो। तो अब मैं आपके साथ मुख्तसर सा ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल और वजीफा शेयर करूँगी। ये अमल, ये वजीफा आप हर नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपकी जिंदगी में आपको कभी भी तंगदस्त नहीं फरमाएगा, कभी भी आपका रिज़्क तंग ना होगा। इसकी बरकत से आपकी नस्लें भी मालामाल होंगी। अल्लाह की जात आपको वसीओ कसीर तादाद में रिज़्क से दौलत से नवाजेगा। अगर आप कामिल यकीन के साथ ये अमल ये वजीफा करेंगे तो आपको बहुत से फायदे होंगे। तो आपने हर नमाज के बाद 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल और वजीफा करना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आप पर जरूर मेहरबान होगी। आप अल्लाह से जिस जायज हाजत के लिए दुआ मांगेंगे वो दुआ जरूर कबूल होगी। अगर आप कामिल यकीन के साथ ये अमल ये वजीफा नहीं करेंगे तो आपको अमल करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से वजीफा और अमल किया करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपको बहुत से फायदे होंगे। इसके अलावा अगर आप हर नमाज के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को विर्द जुबान ही बना सकते तो आप दिन में एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर लें कि आप उस वक्त में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को सिफात को पुकार कर इन कलमात का अमल करें, और कम से कम दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल करें। अव्वल में, आखिर में दरूद पाक पढ़ें, और साहबे अस्ताद
सदका खैरात जरूर करें, इंशाल्लाह बहुत से फायदों से आप मुस्तफीद होंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी हिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।